हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ 11 में ये अपडेट का एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 मेथड बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट मेथड, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। सेकेंड मेथड, आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इस फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी फाइल्स हैं आपको इनको सेलेक्ट कर देना है। ऑल फाइल सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये फाइल्स जो है यहां पर डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे फाइल्स को डिलीट कर देना है, फिर आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। थर्ड मेथड, आपको जो है एंटीवायरस को डिसेबल करना है। अगर आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, फ्री का एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको डिसेबल कीजिए। अगर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप जो है एंटीवायरस को डिसेबल कीजिए। उसके बाद फोर्थ मेथड, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये फीचर जो है आपके पास टर्न ऑन होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये भी फीचर आपके पास टर्न ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर लीजिए फिर आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को भी क्लोज कर लेता हूँ। फिफ्थ मेथड, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर विंडोज़ का अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी विंडोज़ 11 में अपडेट का एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।